अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 6। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशन एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चन को, सजेशन को मुझ तक भी पहुँचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है, नीचे इसके तमाम पार्ट्स भी मेंशन नजर आ रहे हैं। तो स्टेटमेंट को रीड करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज अ रिकरिंग डेसिमल। तो आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 के डिफरेंट पार्ट्स में आपको डिफरेंट फ्रैक्शंस दी गई हैं, आपने इन फ्रैक्शंस को रिकरिंग डेसिमल्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करके दिखाना है। अब रिकरिंग डेसिमल्स मैं आपको इससे पहले वाले क्वेश्चंस में समझा चुका हूं, हम ऐसे डेसिमल्स को रिकरिंग डेसिमल्स बोलते हैं जिसमें डेसिमल के बाद या तो कोई सेम डिजिट रिपीट हो रहा हो या आप कह लें एक से ज्यादा डिजिट्स का कोई पैटर्न है वो रिपीट हो रहा हो, और वो जो पैटर्न है या जो डिजिट्स हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं वो इनडेफिनेटली चल रहे होते हैं, यानी कि पे स्टॉप नहीं हो रहे होते, बस पैटर्न रिपीट होता चला जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 0.1111 और इसी तरीके से 11 आता रहे तो ये एक रिकरिंग डेसिमल है, क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद एक ही डिजिट 1 बार बार जो है आई जा रहा है, रिपीट हो जा रहा है और वो कहीं पर भी स्टॉप नहीं हो रहा। इसी तरीके से आपको पैटर्न भी नजर आ सकते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ 0.234 अगेन 234 अगेन 234 और इसी तरीके से आगे चीजें चलती जाएं। तो अक्सर औकात रिकरिंग डेसिमल्स में आपको कुछ पैटर्न भी रिपीट होते हुए नजर आते हैं, जैसे ये 234 एक पैटर्न बन रहा है, फिर एक 234 फिर एक 234। तो इस तरह के डेसिमल्स जिसमें डेसिमल के बाद या तो कोई सेम डिजिट रिपीट हो रहा हो या आप कह लें कुछ डिजिट्स पैटर्न की फॉर्म में रिपीट हो रहे हो, ऐसे तमाम डेसिमल्स को हम रिकरिंग डेसिमल्स बोलते हैं। तो आपको बेसिकली यही कहा गया है कि आपने इन फ्रैक्शंस को इस तरह के रिकरिंग डेसिमल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले पार्ट नंबर ए से। तो पार्ट नंबर ए में जो आपको फ्रैक्शन गिवन है वो गिवन है 7/9। अब जो आपने मेथड यहां पर यूज करना है रिकरिंग डेसिमल्स की फॉर्म में इनको एक्सप्रेस करने का, वो ये है कि आपने इनके कॉमनली डिवाइड करना है। जिस तरह हम डिवीजन करते हैं, हमने बिल्कुल यहाँ पे डिवीजन करके ही ये फॉर्म निकाल लेनी है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 7/9, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7 को इनसाइड लिखेंगे और इसको किस पे डिवाइड करेंगे, 9 पे आप इसको डिवाइड करेंगे। अब आपको डिवीजन आती है, वही स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं। अब 9 को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आप 7 या 7 के पास पास आ जाए, तो 9 के टेबल में 7 तो नहीं आता, तो 7 के सबसे पास बनेगा जब मैं 9 0 टाइम्स करूंगा, क्योंकि 9 0 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 0। तो देखें ये 7 के नीचे आ गया सबसे क्लोजेस्ट नंबर। अब देखिए 7-0 कितना होगा, वो होता है 7। अब आपको आगे से कोई डिजिट नीचे उतारना पड़ेगा, तो आगे कोई डिजिट नहीं है तो आपको यहाँ पे भी डेसिमल लगा लेना है और ऊपर भी डेसिमल लगा लेना है, यहाँ पर एक 0 आपने लिख कर नीचे उतार लेना, और भी 0 आप लिख सकते हैं, अभी फिलहाल एक की जरूरत है तो मैं एक लिख के नीचे उतार रहा हूँ। तो यहां तक हमने इसको कर लिया। अब हमने ये देखना है कि 9 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास जो है 70 आ जाए या 70 के पास पास आ जाए। 9 के टेबल में 70 तो नहीं आता, लेकिन 9 7 टाइम्स हम करें तो 63 जरूर आ जाता है, तो इसलिए 9 7 टाइम्स हम यहाँ पर करके 63 लिख देंगे। ठीक है, 9 8 टाइम्स नहीं कर सकते, वो आपको पता है वो 70 से नंबर बड़ा आ जाएगा। अब आपने 70 में से 63 को माइनस करना है, तो 70-63 कितना होता है, वो होता है अगेन 7। अब अगेन आपको यहाँ पर 0 उतारना है, यहाँ पर 0 लिखना है और उसको नीचे उतार लेना है इस तरीके से। देखिए फिर से 70 बन गया जिस तरह यहाँ पे बना था, तो अगेन 9 7 टाइम्स ही आपको करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 63 और 70-63 अगेन कितना हो जाएगा, फिर से 7 बन जाएगा। अब आप यहाँ पर फिर से एक 0 लिखें और उसको नीचे उतार लें, देखिए दोबारा से 70 बन गया, यहाँ पे फिर दोबारा 9 7 टाइम्स करना पड़ेगा, ये 63 बन जाएगा, 70-63 फिर से क्या होता है, 7। तो देखिए ये रिपीट ही होता चला जा रहा है, अब बार बार 7 आता जा रहा है और ऊपर भी इसी तरीके से बार बार यहाँ पर 7 आता जा रहा है। तो जब भी यहाँ पे ऊपर जो आपके पास डेसिमल आ रहा हो उसमें आपको 3 डिजिट्स कम से कम मिल जाए जिससे आपको अंदाजा हो जाए कि भाई ये 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, तो अब आपने यहाँ पर स्टेप जो है ना क्लोज कर देना, यहाँ पे आपने इससे आगे नहीं करना, इसके आगे आप डॉट 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 लगा देंगे, यानी ये इसी तरीके से चलता जाएगा। तो बेसिकली देखिए एक रिकरिंग डेसिमल ही आ गया ना, क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद सेम डिजिट 7 बार बार रिपीट हो रहा है, तो कम से कम आपने 3 डिजिट्स का जरूर वेट करना है, 3 डिजिट तक आपने जरूर देख लेना है कि आपकी रिपीटेशन आ रही है कि नहीं आ रही, अगर आ रही है तो उससे आगे फिर आपको करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब 7/9 कि अगर हम यहाँ पर रिकरिंग डेसिमल वाली फॉर्म लिखें तो वो बनेगी 0.777 और आगे डॉट डॉट डॉट,
और इसको आप डॉट नोटेशन में भी लिख सकते हैं। डॉट नोटेशन का मतलब आपके पास यहाँ पर जैसे 7 रिपीट हो रहा है तो आप लिखेंगे 0 पॉइंट और 7 के ऊपर डॉट लगा देंगे। आपको मैंने ये चीज़ पिछले वाले क्वेश्चन में समझाई है कि रिकरिंग डेसिमल्स को इस तरह की डॉट नोटेशन में लिखते हैं। जो डिजिट रिपीट हो रहा होता है एक सिंगल, आपने उसके ऊपर इस तरह डॉट लगा देना होता है और बाकी डिजिट्स को लिखने की जरूरत नहीं होती। तो आपको इन दोनों में से जो भी आंसर्स आपकी बुक में गिवन है आप उसी लिहाज से इसको फॉलो कर सकते हैं, दोनों ही बिल्कुल एक्यूरेट है। तो यहाँ पर ये ए पार्ट हो गया, आप चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम बी पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो बी पार्ट में लिखा हुआ है 1/18, ठीक है। तो यहां पर भी आपको डिवीजन करनी पड़ेगी, तो 1 को डिवाइड करना है आपने 18 पर, तो आप यहां पे लिखेंगे 18 को आउटसाइड और 1 को इनसाइड, ठीक है। अब देखें यहाँ पे 18 जो है वो 1 से बड़ा है, तो 18 के टेबल में जो है 1 तो नहीं आएगा जाहिर बात है, तो 1 के पास पास क्या आ सकता है, अगर आप 18 को 0 टाइम्स कर लें तो 18 0 टाइम्स कितना होता है 0, तो वही 1 के पास पास आता है, 1 से छोटा भी बनता है। तो 1 माइनस 0 कितना होता है, वो होता है 1। अब यहाँ पे ऊपर कोई से कोई आपको डिजिट उतारना है, आगे कोई डिजिट नहीं है, तो आप यहाँ पे भी डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे भी लगाएंगे। अभी फिलहाल यहाँ पर 1 0 लिखकर यहाँ पर नीचे उतार लेंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 10। अब देखें यहाँ पर 18 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि या तो 10 आ जाए या 10 के पास पास आए कोई छोटा आए 10 से नंबर। तो देखिए 18 के टेबल में 10 तो नहीं आता, तो फिर हमें दोबारा से 18 को 0 टाइम्स ही करना होगा, क्योंकि 18 0 टाइम्स 0 होता है, यही सबसे क्लोजेस्ट भी है और सबसे लोएस्ट भी है 10 के लिहाज से, 10 से छोटा नंबर है। तो 10 माइनस 0 कितना हो जाएगा, वो अगेन हो जाएगा आपके पास 10। अब यहां पर देखें अगेन आपको 1 0 लिखना पड़ेगा और नीचे उतारना पड़ेगा ताकि यहां पर क्या बन जाए 100। अब आपने देखना है हम 18 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि या तो हमारे पास 100 आ जाए या 100 के पास पास आ जाए। तो 18 5 टाइम्स 90 होता है, तो 6 से करेंगे तो 100 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने 18 5 टाइम्स किया। तो 18 5 टाइम्स आप करेंगे तो यहां पर आपके पास आएगा 90, और 100 माइनस 90 करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास 10। देखिए दोबारा से 10 आ गया, यहां पर फिर से आप 0 लिखेंगे और इसको नीचे उतारेंगे, ये फिर से 100 बन गया। अगेन आपको 18 5 टाइम्स ही करना पड़ेगा जैसे आपने पहले किया। तो 18 5 टाइम्स 90 और 100 माइनस 90 फिर से क्या हो जाएगा 10। अगेन 1 0 यहां पर लिखेंगे और उसको नीचे उतारेंगे, तो ये 100 और अगेन 18 5 टाइम्स ही करना पड़ेगा, तो आपके पास क्या आएगा 90 और 100 माइनस 19 अगेन 10। तो ये इस तरह चलता रहेगा, अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैंने आपको बताया था कि कम से कम आपको 3 डिजिट्स ऐसे मिल जाएं जो कि सेम हो, जिससे आपको ये सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि हाँ भाई यही एक डिजिट है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। तो अब आप देखें इसके आगे इसी तरीके से 5 5 5 5 आता रहेगा, तो इसका मतलब 1/18 को क्या लिखा जा सकता है, इस तरह लिखा जा सकता है 0.0 आगे 5 फिर 5 फिर 5 और ये इसी तरीके से 5 रिपीट हो रहा है। अब मैं इसको अगर डॉट नोटेशन में लिख दूं, क्योंकि हम रिकरिंग डेसिमल्स को डॉट नोटेशन में लिखते हैं, तो ये किस तरह लिखा जाएगा 0.0, तो देखें रिपीट नहीं हो रहा, ये तो वैसे का वैसे ही आएगा, जो चीज रिपीट नहीं हो रही वो तो आपने वैसे की वैसी उतारनी है। ये 5 एक ही डिजिट है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए आपने एक 5 लिखकर उसके ऊपर इस तरीके से डॉट डाल देना है, इसका मतलब ये ऊपर वाले ही डेसिमल होगा। तो यहां पर आपका ये बी पार्ट हो गया, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर सी को। तो पार्ट नंबर सी में लिखा हुआ है 11/15, तो यहां पर आपने 11 को 15 से डिवाइड करना है, तो यहां पे हम लिखेंगे 15 को आउटसाइड और 11 को इनसाइड्स। अब देखिए 15 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, या तो 11 आ जाए या 11 के सबसे करीब आ जाए, पास पास आ जाए, तो 15 के टेबल में 11 तो नहीं आता, तो हमें 15 को 0 टाइम्स ही करना पड़ेगा, क्योंकि 15 0 टाइम्स 0 होता है, यही सबसे क्लोजेस्ट बनता है। और 11 माइनस 0 करेंगे तो जाहिर बात है आपको 11 ही मिलेगा। अब यहां पर आगे से कोई डिजिट उतारना है तो डेसिमल लगाना पड़ेगा, 1 0 लिखें और उसको नीचे उतार लें, तो यहां पर क्या बन जाएगा 110, और ऊपर भी इस तरीके से आप डेसिमल लगा लें। अब आपने ये देखना है कि आप 15 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 110 आ जाए या 110 के पास पास आ जाए। तो अगर आप देखें 15 को आप 7 टाइम्स करते हैं तो 15 7 टाइम्स होता है 105, यही सबसे क्लोजेस्ट बनता है। और 110 माइनस 105 करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास यहां पे बचेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा, जैसे मैं यहां पे करता हूं, ये 1 को आप 0 बना लें, ये 10 हो जाएगा, 10 माइनस 5 कितना होता है 5, ये 0 माइनस 0 0 और 1 माइनस 1 0, यानी 5 बच जाएगा आपके पास। तो अब यहां पर आप देखें ऊपर से आपको एक और डिजिट इस तरह 0 लिखकर नीचे उतारना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 50। अब आपने देखना है कि 15 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि आपके पास जो 50 है या तो ये आ जाए या 50 के पास पास आ जाए। तो 15 3 टाइम्स जो होता है ना वो आपके पास होता है 45, तो यहां पे 3 टाइम्स करेंगे तो यहां पे 45 आ जाएगा, और 50 माइनस 45 कितना होगा, वो हो जाएगा 5, ठीक है। अब देखें फिर से 5 आ गया, अगेन आपको ऊपर से 0 एक लिखना है और उसको नीचे उतारना है ताकि ये 50 बन जाए, और अगेन 15 को आपको 3 से ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगेन आपको यहां पर मिलेगा 45, और 50 माइनस 45 कितना हो जाएगा, अगेन 5, फिर से वही बात। तो यहां पे 1 0 लिखें,
इस जीरो को नीचे उतार लें, अगेन 15 को 3 से ही करना पड़ेगा, तो आपके पास यहाँ पर 45 आएगा, और 50 माइनस 45 कितना आएगा, 5। तो ये चीज इस तरह ही चलती रहेगी। ये पिछले वाले क्वेश्चन का यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसको मैं रफ कर दूं तो इससे आप कंफ्यूज ना होइएगा। तो आप देखें, आपको ही पता चल गया कि इस क्वेश्चन में हमारे पास जो ये रिपीटिशन अब आना शुरू हो गई है, तो यहाँ पे भी ये इसी तरीके से 5-5 आगे आता जाएगा, और ऊपर जो ये 3-3 इस तरीके से आगे आ रहा है। तो इसका मतलब इसकी जो रिकरिंग डेसिमल वाली फॉर्म होगी वो होगी 0.7। ये 3 बार बार आ रहा है, तो आप लिखेंगे 3 3 3, और इस तरह आगे डॉट 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 डाल देंगे। अब आपने इसको डॉट नोटेशन में लिखना है, तो आपको पता है कि 0.7 तो रिपीट नहीं हो रहा, तो ये तो वैसे का वैसे ही आप लिखेंगे। तो ये आगे आने वाला 3 रिपीट हो रहा है, तो आपने इस 3 को लिखकर इसके ऊपर एक सिंगल इस तरह डॉट डाल देना है, बना देना है, तो ये इसकी हो जाएगी डॉट नोटेशन वाली फॉर्म। तो आपने 11/15 को भी एक रिकरिंग डेसिमल वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर डी को। तो पार्ट नंबर डी में लिखा हुआ है 5/12, ठीक है। अब हमने इस फ्रैक्शन को रिकरिंग डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 को आउटसाइड और 5 को हम लिखेंगे यहाँ पर इनसाइड। अब देखें, 12 के टेबल में 5 तो नहीं आता, तो 5 के सबसे क्लोजेस्ट कितने टाइम्स आएगा, 0 टाइम्स ही आएगा, क्योंकि 12 0 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 0। अब यहाँ पर आपने 5 में से 0 माइनस किया, तो आपके पास क्या बच जाएगा, 5। अब यहाँ पर आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा, क्योंकि आगे 0 लिखकर आपने नीचे उतारना है, तो इसलिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, 50, और यहाँ पर डेसिमल लगाया तो ऊपर भी आप डेसिमल में लगा लें। अब आपने देखना है कि 12 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि या तो 50 आ जाए या 50 के पास पास आ जाए। तो 12 4 टाइम्स जो होता है 48 होता है, सबसे क्लोजेस्ट यही आपके पास आता है, तो इसलिए मैं यहां पर 48 लिख रहा हूं। अब आप देखें 50 माइनस 48 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास 2। अगेन ऊपर एक 0 लिखें और उसको नीचे उतार लें, तो यहां पे क्या बन जाएगा, 20। अब आपने देखना है 12 को किस से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 20 आ जाए या 20 के पास पास, तो 12 1 टाइम्स ही करना पड़ेगा, तो 12 1 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 12। अब आपने 20 में से 12 को माइनस करना है, तो आपके पास कितना जाएगा, 8। अगेन आपको एक यहां पे 0 लिखना है और उसको आपने नीचे उतार लेना है, तो यहां पर आपके पास बन गया 80। अब आपने देखना है आप 12 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 80 के पास पास आए, तो 12 को आप 6 टाइम्स करेंगे, तो आपके पास 72 आएगा, सबसे क्लोजेस्ट यही बनता है। और 80 माइनस आपके पास 72 जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास 8, तो यहां पर आ गया 8। अब देखें दोबारा से यहां पर एक 0 लिखें और नीचे उतारें, तो ये फिर से 80 बन गया, ठीक है। अब आपने देखना है कि 12 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 80 आए या 80 के पास पास आए, तो ये पहले भी आप कर चुके हैं ऊपर, 12 को 6 से ही करना पड़ेगा, तो आपके पास यहाँ पर 72 आएगा, और 80 माइनस 72 कितना होता है, वो होता है अगेन 8। और फिर दोबारा अब देखें यहाँ पे रिपीटेशन आना शुरू हो गई है, 0 उतारेंगे फिर से ये 80 बनेगा, और 12 को फिर दोबारा 6 से ही करना पड़ेगा, तो आपको पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 80 यहाँ पर, सॉरी आपके पास आ जाएगा 72, मैंने गलती से 80 लिख दिया यहाँ पर, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 72, ठीक है। तो अगेन 80 माइनस 72 कितना होगा, वो आपके पास हो जाएगा दोबारा से 8। तो देखिए इसी तरीके से रिपीट होता रहेगा। तो इसका मतलब अब आपको देखें 3 डिजिट्स यहाँ पे मिल गए हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं, ये भी काफी है, आपको इससे पहले भी पता चल जाया करेगा। तो आप देखें यहाँ पर ये आपने इसके आगे डॉट डॉट लगा देने हैं, तो इसकी रिकरिंग डेसिमल वाली फॉर्म क्या है, 0.41, ये आगे आएगा 6 6 6, और इस तरह आगे मैं डॉट डॉट डाल रहा हूँ। अब इसको आप डॉट नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 0.41 तो रिपीट नहीं हो रहा, तो इसको आप वैसे का वैसे ही लिख दें, ये तो रिपीट नहीं हो रहा, 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो जस्ट 6 को लिखकर इसके ऊपर इस तरीके से आप डॉट डाल देंगे, तो ये इसके रिकरिंग डेसिमल वाली फॉर्म हो गई। तो उम्मीद है आपको ये तमाम चीज़ें जो है समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।